नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निकली हुई भर्ती के बारे में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो रही है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो भर्ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो रही है। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स हैं मिलते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स हैं नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने कहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है और ये जो वैकेंसी है गुजरात में हो रही है, तो सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग गुजरात में होगी। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है। 334 पोस्ट की वैकेंसी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या है वो अब हम देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 12वीं पास होना जरूरी है और इक्वलेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 to 33 ईयर्स है, यानी 18 से अधिकतम 33 ईयर्स के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फी आपको भरनी है और अप्लीकेशन फी आपसे 100 रुपये ली जाएगी। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए नो अप्लीकेशन फी है, यानी फ्री में ही वे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 28 नवंबर 2018। तो दोस्तों देखा जाए तो आपके पास 28 नवंबर तक का टाइम है, तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं 28 नवंबर के पहले ही करेगा, क्योंकि 28 नवंबर के बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीडीएफ में जानकारी बताई गई है, पर वो गुजराती में जानकारी है, तो यदि आपको गुजराती आती है तो आप आसानी से इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट की वैकेंसी है और गुजरात में हो रही है, तो हमारे जो भी उम्मीदवार गुजरात से है या गुजरात में जॉब पाना चाहते हैं तुरंत इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा। एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है और बहुत दिनों बाद कोई वैकेंसी निकली है और वो भी फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट के लिए, तो यदि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत अप्लाई करिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 334 है और साथ ही साथ 12 पास आपको होना जरूरी है। जैसे यहाँ हमने आपको कहा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं पर पूरे गुजराती में है, तो जिन्हें गुजराती आती है और जो गुजरात से है उनके लिए सुनहरा मौका है और वे आसानी से इसको रीड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पर प्रोवाइड की है, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा सकते हो और जो जानकारी है उसे प्राप्त कर आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो जो कि गुजरात में हो रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक इम्पोर्टेंट लिंक दी है, जिस पर आप क्लिक कर डायरेक्टली हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आर्टिकल हमने पब्लिश किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो भर्ती निकली है उसका, उसको देखकर आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपको दो लिंक्स प्रोवाइड की है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट की और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की है, जिससे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लोड कर सकते हो और इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई है नहीं, तो जरूर लाइक करिएगा। और यदि आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, पर हमें आशा है आपकी वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करिएगा। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।